अस्सलाम वालेकुम उस पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं वो ऑन एंड ऑफ एक सवाल पूछते हैं कि जी हमें बताएं कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। अब हर बंदे की तैयारी का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता है। मेरा तरीकाकार डिफरेंट है, आपका शायद डिफरेंट हो, उससे पहले लोगों का डिफरेंट हो, बाद में आने वाले लोगों का शायद डिफरेंट हो, लेकिन एक कुछ जनरल चीज़ें हैं, जनरल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अब वन पेपर एमसीक्यूज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई एक एमसीक्यूज की किताब तैयार करते हैं और कहते हैं कि आपका एग्जाम पास हो जाएगा। आप करीब करीब होंगे, 5-7 नंबरों का गैप जो है वो आपका रह जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप एक किताब से तैयारी करेंगे तो आप आजकल के दौर में सिलेक्ट हो सकते हैं। डाटा बैंक बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों के पास एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इंटरनेट जो है ना वो वाइडली अवेलेबल है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा जो है ना आपसे पीछे होगा, बल्कि वो आपसे आगे ही होगा, तो आपको 2 कदम उससे आगे ही चलना चाहिए। मेरा जो एक मशवरा है आप लोगों को कि आप जनरल नॉलेज की अगर तैयारी करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए और उसको फिर कंक्लूड किस तरह करना चाहिए। मेरा ये मशवरा है कि आप पहले पोर्शंस को डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल आप एवरीडे साइंस का पोर्शन तैयार कर रहे हैं, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मियाँ शफीक साहब की एमसीक्यूज की, एवरीडे साइंस के ऊपर एमसीक्यूज की एक बुक है मियाँ शफीक साहब की, वो मैं रिकमेंड करूंगा। वो एवरीडे साइंस का पूरा पोर्शन कवर करती है, मतलब उसमें यूनिवर्स आ जाती है, उसमें सारे आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं, उसमें स्टार्स आ जाते हैं, उसमें आपकी जो जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो सारे जाते हैं, इसमें अनाटोमी और आपकी फिजियोलॉजी, उसमें सारे जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे आ जाते हैं, इसमें फिर डिजीजेस, विटामिन्स और ब्लड ग्रुप्स और जितनी भी मतलब साइंस से रिलेटेड वो क्वेश्चंस क्यूरीज कर सकता है वो इसमें होती है। और मजे की बात है इसमें आपकी जनरल एबिलिटी जो मैथ का पोर्शन है वो भी इसमें कवर हो जाता है। मतलब अगर आप उसमें इन पे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आप वो करना चाहते हैं तो वो भी उसमें कर सकते हैं। और मियाँ साहब ने न्यूमेरिकल के लिए एक शॉर्ट सा बुकलेट भी बनाया हुआ है जो कि वाइडली अवेलेबल है इन PDF। तो ये तो आपका एक पोर्शन हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जियोग्राफी का पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास, कि एक तो आप अटलस ले लें, अटलस जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिशर्स का है, वो अटलस लेकर उसको अच्छे तरीके से तैयार करें। पहला जो उसका पोर्शन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, कैप्रिकॉन और कैंसर और इक्वेटर है, फिर उसके जो डिग्रीज हैं, तमाम जो लोकेशन है, जो टाइम जोन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पहले पहले पोर्शन में हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड और फिर माउंटेन रेंजेस और साथ साथ रिवर्स, साथ कॉन्टिनेंट्स, सारे ही आपके एटलस से हो जाते हैं। अगर आपने एटलस नहीं पढ़ा और आप कहते हैं कि आप जियोग्राफी है बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये खाम ख्याली है। इसमें दूसरा एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आप यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाते हैं तो ट्रिक इट एक चैनल है, ये पीछे आपके मेंशन हुआ हुआ है ट्रिक इट, इसको आप सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर बहुत सारी मालूमात ये प्रोवाइड करते हैं और उस पर जाकर आप जो है अपना सर्च आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं ये वोकैबलरी के ऊपर, के जो वोकैबलरी और करेक्शन का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा आपको तंग करता है। वोकैबलरी के लिए आप कोई भी अच्छी सी किताब, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की वोकैबलरी की एक अच्छा पोर्शन वो प्रोवाइड करते हैं, GRE की जो लिस्ट है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप करेक्शन के लिए जो एक बेहतरीन सोर्स है वो तो आपको कोई भी पास पेपर का सोर्स मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बेहतरीन सोर्स, उसका जो पोर्शन है वो आपको आफ्ताब अहमद की किताब टू द पॉइंट से मिलता है, जो कि आपको करेक्शन का रिवीजन करवा देता है और बड़े अच्छे तरीके से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने EDMs देखने हैं तो EDMs जो है वो उसका उसका जो सोर्स है वो एक वेबसाइट है theedm.com, वहाँ पे सर्च कर लें, या फिर कोई भी आप ग्रेजुएशन लेवल की किताब लेकर, अब जैसे टू द पॉइंट इंग्लिश है आफ्ताब अहमद की, उसमें भी EDMs का और फ्रेजल वर्ब्स का एक अच्छा खासा पोर्शन दिया हुआ है, उसको आप कर सकते हैं, उससे एक दो आपके कवर हो जाएंगे, लग सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वॉइस नरेशन भी आप वहीं से कर सकते हैं। सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर MCQs ओनली तो आप टू द पॉइंट इंग्लिश जो है आफ्ताब अहमद की अगर सारी पढ़ लें तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके बाकी पोर्शंस हैं, जैसे आपका जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के लिए मैं हमेशा एक किताब रिकमेंड करता हूँ, चौधरी नजीब अहमद की बुक है जनरल नॉलेज, कारवान पब्लिशर्स ने पब्लिश की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त बेस बुक है, उसको आप ले सकते हैं, या फिर जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो आप ले सकते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है।
इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पे पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यूज हमारे स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से जो डेली डोज है बेहतरीन सोर्स है आप लोगों के लिए। उसकी सब्सक्रिप्शन भी बड़ी नॉमिनल सी है, आप उसको मंथली सब्सक्राइब करके तो उसके जो डेली रूटीन में डोजेज हैं वो ले सकते हैं, जो डेली अपडेट्स होती हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, मुख्तलिफ मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स के चेंज हो रहा होता है या जितनी भी चीज़ें जो है ना वो करंटली इवॉल्व हो रही होती हैं वो सारी उसमें एड ऑन होती जाती हैं। और फिर कोई भी आप करंट अफेयर्स का मैगजीन कोई और भी ले सकते हैं, उससे भी इस पोर्शन को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एवरीडे साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इस्लामियात का पोर्शन, इस्लामियात का पोर्शन आप इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर्स का जो पोर्शन है इसके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि आप वन लाइनर कैप्सूल जो इल्मी पब्लिशर्स के हैं वो ले लें, वन लाइनर कैप्सूल्स ऑफ इल्मी पब्लिशर्स, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। वैसे अगर आप चौधरी नजीब अहमद की किताब कर रहे हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आप थक गए हैं, अब आप पढ़ाई से थक गए हैं, अब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इसके लिए बेहतरीन सोर्स जो है वो इम्तियाज शाहिद के पास्ट पेपर्स हैं। लेटेस्ट पास्ट पेपर ले लें 16, 17, 14, 18 ग्रेड्स के जितने भी पेपर्स आए हैं पास्ट पेपर्स में, उन्होंने उसके कुछ मॉडल्स भी बनाए हुए हैं, कुछ पास्ट पेपर्स भी दिए हुए हैं, तो रिवीजन के लिए प्रैक्टिस के लिए वो उससे आप हेल्प आउट ले सकते हैं। ये पीछे वो किताब नज़र आ रही है आपको, जो जो मैंने किताबों के नाम दिए हैं वो पीछे नज़र आ रहे हैं, आप इन किताबों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और काइंडली सवाल बड़े अच्छे तरीके से कीजिए ताकि मैं उस सवाल को समझूँ और उसका बेहतर जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच जी, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।